गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग फॉर द हार्मोनल चेंजेस और द हार्मोनल रिस्पॉन्सेज, लेट अस गेट अ क्विक रिविजन ऑफ आर नर्वस सिस्टम। नाउ आवर नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, एज यू कैन क्लियरली सी, दैट इज़ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एज वेल एज द सेकेंड पार्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ब्रांच्ड ऑल थ्रू आर बॉडी। Understood? Means, apart from brain and spinal cord, the nerves that are present in the other parts of the body are a part of peripheral nervous system. Now, the main function of our nervous system, that is central nervous system, is to think and to take all the decisions. Means, आप जो भी सोचते हैं और decision लेते हैं, ये decision making power और thinking power सिर्फ और सिर्फ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। योर PNS हैज़ नो वर्क इन थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजंस। व्हाट डज इट डू इज इट जस्ट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द ब्रेन। व्हाट इज अ ब्रेन एंड हाउ डज इट लुक लाइक? अ ब्रेन इज समवट लाइक दिस। इट हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। And in the center we have corpus callosum. Now this corpus callosum is the part which carries information from right to left and left to right. So this is the path through which information is transferred between both the halves of the brain. Now the both hemispheres have special functions, and these functions are opposite to each other. Okay, for example, one is associated with verbal actions, the other one is associated with non-verbal actions. What does it mean? Suppose you have looked something. Okay, you are looking something and you are thinking, like say for example, you have just seen a beautiful flower, okay, and you are thinking, wow, the flower is so beautiful. This is in your brain, it's just thinking. Okay, now this information is passed to the next half of the brain, and then only you will be able to say that sentence. On the other hand, if you have emotions, we all have emotions, the human beings are full of emotions, so we have two kind of emotions at any instant. कोई भी आपके साथ incident होता है, कुछ भी आपकी life में होता है, हमारे पास दो तरह के emotions होते हैं हमारे mind में. One is the positive one, the other one is the negative one. For example, अगर आपके आसपास किसी की death हो जाती है, ठीक है, अगर किसी की death हो जाती है तो एक positive emotion, negative emotion क्या होगा? से अगर कोई ओल्ड एज है, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा कोई बड़ा चला गया, हमें छोड़कर चला गया, या हमें उसकी अभी ज़रूरत थी, कोई भी हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई अंकल आंटी, कोई भी हो सकता है. पॉजिटिव इमोशन, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप सोचेंगे कि अगर वो वैसे ही बीमार थे तो इट्स बेटर दैट दे हैव लेफ्ट, ठीक है, और उनके साथ अच्छा होगा. ये बहुत ज़्यादा दूर वाला एग्जांपल हो गया. एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, टेस्ट में आपको 50 में से 35 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आपको जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, पॉजिटिव इमोशन विल से, वाओ आई हैव गॉट 35, क्लास में बाकी सबके मार्क्स तो मुझसे कम है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इमोशन हुआ कि मेरे 35 मार्क्स आए और बाकी सबके मार्क्स कम हैं, तो मैंने अच्छा अचीव किया है. नेगेटिव वाला क्या बोलेगा? बाकी सबके कितने भी कम हों, डजेंट मैटर, आई हैव टू कम्पीट विथ माई सेल्फ, मेरे 35 मार्क्स आए हैं, मैं बोर्ड्स में क्या करूँगा. ओके, सो यू हैव टू काइंड्स ऑफ इमोशंस, एंड दीज इमोशंस आर प्रेजेंट ऑन बोथ द हेमिस्फीयर्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर. देन अनदर एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट वन for you all to understand. Half of the brain says, study hard, it's your 10th standard, you have to achieve good marks,
एंड हाफ ऑफ द ब्रेन सेज नो, वी वॉन्ट सम टाइम फॉर गेमिंग, वी वॉन्ट टू प्ले समथिंग. सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, माइंड को रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है. वी हैव टू स्टडी एज वेल एज वी हैव टू प्ले. ओके, सो योर माइंड हैज़ टू फ्रेम्स, योर माइंड हैव टू हेमिस्फियर्स एंड दीज टू हेमिस्फियर्स आर ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर. नाउ फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस वॉट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस बोथ द हेमिस्फियर्स. यू हैव टू take practice of both of your hemispheres whenever you want to perform better, better and better, and then only it will lead you to the best. Understood this part?